Hello friends, I'm Shivam. This is my YouTube channel. Today we will discuss about the music. This is my first lesson about the music. And what is music? Nishi. So we will discuss about the music. What is music? The music, in English we can say the combination of singing, dancing and instrumental is called music. अगर हम हिंदी में इसी चीज़ को कहें तो हिंदी में संगीत की परिभाषा इस तरह से दी गई है कि गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के समावेश को संगीत कहा जाता है। अर्थात हम किसी भी अगर पर्टिकुलर सॉन्ग को देखें तो उसके अंदर सिंगिंग भी होगी, डांसिंग भी होगी और इंस्ट्रूमेंट तो पहले हो ही रहे होंगे। दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थ्री थिंग्स दैट मेक्स अ म्यूजिक, जो एक संगीत को निर्माण करते हैं। संगीत में सात स्वर होते हैं, जैसे आप सब जानते हैं कि संगीत में सात स्वर उपयोगी हैं। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि वो सात स्वर हैं कौन से। पहला स्वर सा होता है, जिसे हम षड्ज कहते हैं। दूसरा रे, जिसे ऋषभ कहते हैं। तीसरा गा, जिसे गंधार कहते हैं। चौथा मा, जिसे मध्यम कहा जाता है। पांचवा पा, पंचम, सिक्स्थ धैवत, सेवेंथ निषाद और एट्थ स्वर। डिफरेंट डिफरेंट स्केल पर डिफरेंट डिफरेंट वे से गाया जाता है। अगर हम किसी फीमेल वॉइस के लिए अगर सिलेक्ट करते हैं तो हम इसको चौथे काले सर सा बोला जाता है। यही अगर हम जेंट्स के लिए अगर करें तो पहले काले सर। हमारे संगीत में वोकल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो है हारमोनियम। इसमें तीन ऑक्टेव माने गए हैं, जैसे पहला ऑक्टेव बोलते हैं लोअर पिच यानी मंद्र सप्तक, दूसरा ऑक्टेव मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव, थर्ड वन इज हाई ऑक्टेव यानी ताल सप्तक। अधिकतर गाने वाले मध्य सप्तक का प्रयोग किया जाता है, जिससे पहला डिफरेंट डिफरेंट कालेज होते हैं। फर्स्ट देयर आर फाइव ब्लैक कीज, जिसे हम पांच काले भी बोलते हैं। अधिकतर शुरुआत हम लोग पहले काले से करते हैं, मध्य सप्तक के पहले काले से उसको सा बोलते हैं। से अगर हम सा बोलेंगे, जो बेसिक सरगम है हमारी वो ये है सारे का वॉच इट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट, एंड इफ देयर एनी अदर कमेंट सो प्लीज कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, एंड आई होप यू विल लाइक इट.